हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स। लेट्स डिस्कस दी गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेकंड वन इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जब हम स्पॉन्सरिंग की बात करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को हम परसेंटेज बेसिस पर स्पॉन्सर करते हैं, उसी तरह से आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को याद रख सकते हैं, विच आर फंडेड बाई द बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ प्री डिटरमाइंड रेशो। एंड इस रेशो के आधार पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को और भी कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ऑप्शनल स्कीम्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नॉर्मली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के सब्जेक्ट होते हैं वो स्टेट लिस्ट से ही लिए जाते हैं एंड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होती है। इसके एग्जाम्पल मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये है। अब बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में। इसकी जो फंडिंग है ये एंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है एंड ये जो सब्जेक्ट होते हैं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए जाते हैं वो यूनियन लिस्ट में से ही आते हैं यूजुअली एंड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसके एग्जाम्पल है मुद्रा योजना, भारत नेट प्रोजेक्ट, नमामि गंगे, इस तरह से। ओके गाइस, तो यही है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आपको इसकी पीडीएफ हमारे बेसिक यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।